जिंदगी भर मांग मांग के शर्म होनी चाहिए। एक बेटी बाप से पैसा मांगने में शर्म मुसलमान को होती कि नहीं होती? एक बेटी बाप से पैसा मांगते हो, पैसा बेटी बाप से मांग करके अपने बेटे के शादी में खर्चा करते हो, और उसी के पैसा उसी के दरवाजे पे 22 को स्कॉर्पियो खड़ा करते हो, शर्म नहीं आती है? अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता तो कसम खुदा की ये स्कॉर्पियो क्या टोटो ले जाता, टोटो ले ठेलने ठेलने बापा बेटा धकल रहे ठेलवा में जाओ। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस कौम जिस बरादरी जिस समाज के मोहल्लों में पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, किताब की दुकान नहीं मिलेगी, लेकिन जब कौम मुस्लिम कौम के गांव में घुसो, बिरयानी होटल, गोश्त पकौड़ी होटल, चौप के होटल, चिकन चिल्ली सब मिल जाएगा, लेकिन किताब खोजिए नहीं मिलेगी, पुस्तकालय खोजो नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी खोजेंगे नहीं मिलेंगे। तो जिस कौम के मोहल्ले में होटल ज्यादा होता है ना, उस कौम के मोहल्ले के बेटों का पेट बढ़ा होता है, जहाँ किताबें होती है वहाँ दिमाग बड़ा होता है, दिमाग बढ़ता है। हमारे समाज के मोहल्लों में होटलें बढ़ने लगा, इसलिए पेट बढ़ने लगा। होटल रहेगा तो पेटे बढ़े, किताब की दुकान रहती दिमाग बढ़ता। आप चले जाए जितने मोड़ है, कोई लाइब्रेरी खोजे नहीं मिलेंगे, किताब दुकान खोजो बहुत कम नहीं के बराबर नहीं मिलेंगे, लेकिन होटल मोड़ मोड़ पर मिलेगा। सब मुसलमान के बच्चे दिन रात जब होटल में बैठेगा दिमाग होटल में बढ़ता है, पेट बढ़ता है। इसलिए खुदा के वास्ते अब होटलों में बैठना बंद कर दो, कभी कभी आलिम के पास बैठा करो, कभी मास्टर के पास बैठा करो, कभी पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठा करो। अगर आप मदरसों में थोड़ी देर बैठोगे आलिम के पास, एक मसला सीख जाओगे और एक मसला सीख जाओगे तो आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। मेरी माँ बहने आप भी थोड़ी देर बैठे हैं, दो चार मिनट और बैठ जाइए और आप भी दो चार बातें सुन लीजिए। कहाँ जाए हजरत, जो बहुत देर तक बैठे हैं और गाजी मिल्लत को छोड़ करके जो उलमाए किराम गए हैं वो लोग को जाने दीजिए, बहुत देर तक बैठे हैं। हालांकि माशाल्लाह जलसा बहुत कामयाब है, ठंड में माँ बहने बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को देना है, ज़रूरी है। क्या आप लोग थक तो नहीं गए? थके तो क्या, कितना आदमी सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अभी भी मजबे में जान है, हालांकि मेरी तकरीर बलियवी साहब की तकरीर से पहले होनी चाहिए थी और लिस्ट भी उसी तरह बनाया गया, लेकिन सदर जलसा ने जो मुनासिब समझा वही काम किया और वही अच्छा किया और वही बढ़िया रहा। तालीमी इल्म पर चूँकि ये जो इदारा बनने जा रहा है, हमारे हजरत का बिहार से आकर के और यहाँ के लोगों ने साथ दिया, लड़कियों का मदरसा बहुत ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी, लड़कियों का मदरसा ज़रूरी है। आज हमारी माँ बहने नहीं पढ़े रहने के वजह क्या है पता आपको? हमारे घर में पांच पांच को लड़का है, छः छः को बाल बच्चा है, लेकिन एक बच्चा कोई कवरेज एरिया के अंदर नहीं है, सब कवरेज एरिया से बाहर है। पांच बेटा है उसमें एगो हापट है, एगो मताल है प्रियंकर, एगो एकदम है ना, एगो क्या कहते हैं जाहिल का फैक्ट्री जैसे नहीं कहता गढ़ है, और दूगो है बातचीत करता ही नहीं, बाप बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। गौर कीजिएगा, बेटा इस लायक बनाओ कि जो दुनिया कहे ये देखो फलाने का बाप आ रहा है या फलाने का बेटा आ रहा, लेकिन आज मेरा बेटा हाथ में चूड़ी पहनने लगा, आज हमारे बेटे के गर्दन में सिकड़ी चेन पहनने लगा। और मालूम है 1 जनवरी को कितना मुसलमान का बेटा घर से निकला, कितना आवारा था, कितना पागल था, कितना कवरेज एरिया से बाहर था, देव एकदम जाकर के पुष्प क्या कहते पिकनिक नदीम खाओ। अच्छा लाए शर्म है नरे,
नदीम जाके भात रान रहा, मुर्गा ले चला गया। या अल्लाह हे मालिक, अब जो वो करवा लो मौलवी साहब से, कसम खुदा के डीजे ले गया है। हम लोग देखे हैं बहुत जगह मुसलमान का लड़का डीजे लेके गया है, शराब लेके गया है, और इतना बड़ा बड़ा मोबाइल, अरे बाप, और पोखलाम बैठी सेल्फी लो, और मुंह एकदम बोरस लखन दखा, सेल्फी ससुराल भेज दिया, बोलिया हमने पिकनिक। कसम खुदा की अफसोस लगता है। उस ग्रुप में कोई नमाजी नहीं था, उस ग्रुप में कोई मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, प्रोफेसर नहीं, कोई पढ़ा लिखा, कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, सब था मताल, आवारा, खानदान से अलग था। इसीलिए तेरा बेटा घरों से निकलकर यहूदो नसारा का तरीका अपनाया है। काश उस दिन तेरा बेटा अगर अपने घर में रह करके कहता है बाबा अब नया साल आया है तो इसमें मैंने बहुत सा गुनाह किया, अब हम तौबा करते हैं, मुसल्ले पे सर रखते हैं, रब की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह मेरी गुनाह को माफ कर दे। मूसा अलैहि सलाम के टाइम में एक बहुत बड़ा पापी आदमी, गुनाहगार आदमी, बहुत बड़ा पापी था, और उस वजह से बारिश रुक गई थी। ऐसा नहीं है कि आपके मोहल्ले में गुनाह हो रहा है और आप बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। आज ये नहीं कि फल्लक बेटा पी रहा है, हमारे इलाके में शराबियों का तादाद बढ़ने लगा, मुसलमान का बेटा गली में बैठ के एकदम आम हो गया शराब। खुदा के वास्ते उन बाप से गुजारिश है कि अपने बेटों को कहो कि वो तौबा करेगा, अफसोस नहीं लगता। एक बाप नमाज पढ़ के सोया है, दूसरा बेटा पी के सोया है, हो रहा है। और जब से ये चोरी का सिस्टम चला है, जब से चोरी इलाके में चला है, तब से ये सिस्टम ज्यादा शराबी बढ़ने लगा है। जब से पैसा मारने लगा है, तब से प्रियंकर का तादाद बढ़ने लगा है, अय्याशी करने लगा है, तुम्हारा बेटा बर्बाद होने लगा है। काश पैसों को सही जगह लगाता। आपके मोहल्ले में जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम पे जो मदरसा लड़कियों का बनाया जा रहा है, क्यों? ताकि वो बेटियां वहां अंदर में बैठ करके जब पढ़ेगी कुरान, और वही बेटी जब ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, वो बेटी अदब से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से शोहर के आने पे मुस्कुरा के हाथ में पानी दे के बैठेगी, और दरवाजा खोल के जब वो बेटी बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। आज हमारे इलाके में कम घर है, मार्बल टाइल सब बड़ा गेट, लेकिन बीवी सलाम करती है जिंदगी, कभी करती है बीवी सलाम? एक दिन भी नहीं। जुमा पढ़ के आ जाओ फिर भी नहीं, मार्केट से आओ फिर भी नहीं, एक झोला लेते देते आओ फिर भी नहीं, सलाम कर मिस कर, बाकी साल सोचो, क्योंकि तेरी बेटी पढ़ी नहीं है, इसलिए मुसलमानों गरीब की झोपड़ी में पढ़ी लिखी बेटी है अपने घर की दुल्हन बना ले, महल की बेटियों को मत देख, नोट और पैसा डिस्को भर पर मत जा, केटीएम गाड़ी मत ले, बल्कि उन गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बना ले, जो बेटी दीनी तालीम हासिल करके, कुरान पढ़ के, कुछ मसले की किताब पढ़ के तेरे घर की बहू बनेगी, वो शोहर की भी इज्जत करेगी और अपने बाल बच्चों को भी सही तालीम और तरबियत करे। पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत परेशानी है कि नहीं? जब पढ़ी लिखी बीवी घर पे रहती है ना, प्रेम करो बच्चों से, प्रेम करो माँ से, प्रेम करो बीवी से, प्रेम करो इस्लाम से, मोहब्बत करो कुरान से, सबसे ज्यादा मोहब्बत करो माँ बाप से, और उससे ज्यादा करो मोहब्बत रसूल पाक से। कौन मना किया है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? अरे बीवी तो मोहब्बत वाली चीजें है, कभी मोहब्बत करते कहाँ हो, करते हो? करो मोहब्बत चरघरा व अगल बगल वालों। कल मगरिब के टाइम में 7 बजे 6 बजे कहीं से मोड़ तरफ से आते हैं ना, घर घुसिए आप, अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है घर में,
रोटी बना रही है, तुम घर घुसो, बीवी को मोहब्बत से कह दो जाने मन, रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी करो मोहब्बत तब पता चले, करते कहाँ। खाली बीवी कह देना जाने मन, बुलाए पराठा खावन की, और उसी में कह देना जाने जिगर, पराठम सतुआ शुरू। मोहब्बत मना कौन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। इल्म के बगैर इंसान न जी सकता है न सो सकता है। हमारी माँ बहने बैठी है, बोलो इतने माँ बहनों में किसी को है कि एक नपाक कपड़ा, अगर कपड़ा नपाक हो जाए तो पाक कैसे करेंगे। पूरी जिंदगी में उसका शोहर नपाक कपड़े से जुमा पड़ता है, पंज वक्ता पड़ता है। बच्चा पेशाब कर दिया, पखाना है, पेशाब है, नपाक कपड़ा है, सब एक ही बाल्टी में ले गए, चपा कल पे पटक दिया, फैला दिया, ओलमा बैठे हो, कपड़ा पाक नहीं होता है, वो नपाके रहता है कपड़े में। जब तक तमाम कपड़े को निचोड़ करके, गंदगी दूर के, निजासत को खत्म करके निचोड़ो, जब निचोड़ के पानी टपकना बंद हो जाए तब कपड़ा एक जगह रखो, फिर पानी नया डालो बाल्टी में, फिर उस पानी में कपड़ा डालो, फिर उसको सब हिलाओ, फिर कपड़ा उठा के फिर निचोड़ो, फिर उसको पानी को बदलो, तीन बार ऐसा करोगे तब पाक होगा। कौन औरत है कि इस तरह करती है, करेगी? एक मरतबा खाली टब टब होके फेंक दिया, अब उसी में मर्द गया जुमा पढ़ने, अब मगरिब जुमा पढ़ने गया है, अब हाथ बांध करके अब नियत क्या बनेगा, पंखवा देखो, नमाज में मन नहीं लगता, क्यों? कि तुम्हारा कपड़ा बदन पे पाक नहीं। अभी भी जितने लोग कपड़ा पहन के आए हो, शरीयत के रूह से देखा जाए तो वो कपड़ा भी सही से पाक नहीं हुआ होगा, इसलिए कि आपने कभी कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने ऐसी बेटी को अपने घर की बहू बनाया जिसने डिस्को भर दिया, केटीएम, सही बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेकिन नहीं, अभी सीजन है शादी की, देख लीजिएगा, शादी की सीजन में भी वही हाल, पूछेगा, हम लोग पूछते हैं कि फलना जगह एक लड़की है पढ़ी लिखी आलेमा है, रिश्ता करोगे? बोल कते पार तो दिए, कतना दिए पार तो, कली खेता पथरवा दे दे तू, ले भी भीख मंगा कहीं की, जिंदगी भर मांग मांग की, शर्म होनी चाहिए। एक बेटी बाप से पैसा मांगने में शर्म मुसलमान को होती कि नहीं होती? एक बेटी बाप से पैसा मांगते हो, पैसा बेटी बाप से मांग करके अपने बेटे के शादी में खर्चा करते हो, और उसी के पैसा उसी के दरवाजे पे 22 को स्कॉर्पियो खड़ा करते हो, शर्म नहीं आती है? अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता तो कसम खुदा की ये स्कॉर्पियो क्या टोटो लग जाता, टोटो लग, ठेलने ठेलने, बाबा बेटा धकल रे धकल, तो बेटी बाप कैसे देता है? इसलिए बेटियों को इतना पढ़ा दो मुसलमानों, ताकि वो भीख मांगा बेटा बाबा के कहे, बेटी बाप के दरवाजे पे घुटना टेक के कि तेरी बेटी आलिमा है, हम फ्री फंड में ले जाएंगे, अपने घर की दुल्हन बनाएंगे, एक बहू तेरे घर में अगर आलिमा आ गई तो पूरा खानदान के जिंदगी में बाहर आ जाए। पढ़ाओगे तब ने, आजकल तो बेटी भी मोबाइल रखती है, पढ़ना लिखना 22.5 मोबाइल, बेटी शादी भी नहीं यार, मोबाइल ले टणिया दन टावर या लोग हराम टावर ने, हम लोग नहीं देखते, घर में जहाँ आया फोन ककरे को बोलने हैं, कहाँ कुछ सुनो को, यार बड़ी याद ना है, रोको बेटियों को, मोबाइल मत दो, कुरान दे दो, उसे मैदान में जंगलों में गोठा चुनने, लकड़ी चुनने, गोबर चुनने मत भेजो, बल्कि किताब दे के मकतब के अंदर, मदरसों के अंदर भेज दो, ताकि तेरी बेटियां पढ़ेगी, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बनेगी, नस्लों में जो बेटे पैदा होगा वो हुसैन नहीं गुलाम है, हुसैन पैदा हो। आजकल बेटी, अरे बाप, किसी शादी में देखिएगा स्टाइल, देखो को कपड़ा मुसलमान खरीद रहा है, जबकि बेटियों को नकाब से ढकने की चीज है। तुम्हारी जाहिल बेटी रहेगी, लोगों के सामने चेहरा दिखाएगी। खुदा के वास्ते बेटियों को जाहिल मत रखना, मत खाना रोटी में डलडा मत लगाना, कीमती कपड़ा मत पहनना, घर में मार्बल टाइल्स मत लगा,
झोपड़ी में रह के बेटा बेटी को पढ़ा, जिस दिन तुम मरोगे दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे खाट में सोओगे कब्र में जाओगे, वही बेटी कुरान खोल के अपने ससुराल से अलमा को बुला के कहेंगे हजरत हाफिज साहब मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं चार खत्म की हूँ, मेरे माँ बाप के नाम से बख्श दीजिए। कसम खुदा की वो बेटी दुआ कराएगी या खुद हाजल उठा के दुआ करेगी, वो बेटी भी बख्शी जाएगी, माँ बाप भी बख्शा जाए। बेटों को भी पढ़ाओ, ये बेटा सब तो पढ़ना ही छोड़ दिया है, मुसलमान का बेटा पढ़ कहाँ। हम लोग जाते हैं मकतब में देखते हैं ज्यादातर बेटियां होती है मकतब में, बेटी ज्यादा रहती है मदरसे में, देखिएगा ये लड़का लोग जितना है ना 14 साल 15 साल लागो को जाने सब पबजी फ्री फायर के मास्टर ही कोई सर, दिन रात मोबाइल लेके एकदम खाली मुड़े ही तो हाथ है, लग तो कुछ करे लग तो मिर्गी बीमारी ठहल रहा है, कोनो बीमारी बल नहीं है हमारे यहाँ, खाली गेम दिन रात, जहाँ पांचों लड़कों में बैठा 10 साल 12 साल उसको तो कुछ मतलब नहीं है, मोबाइल लिया मन 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 कले ककरा मारे रे बल मोबाइल मार रहे, कले अपन पापा कहन मारे हैं का, बाप भी मार खाने के लायक हो जाएगा। एक दौर आएगा बेटा बाप पर हाथ उठा रहा, खुदा के वास्ते ये कहीं देखना ना पड़े कि कहीं तेरा बेटा तुझ पर हाथ उठा दे, इसलिए अपने बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, इनकी जिंदगी को भविष्य को बर्बाद मत करो, अंधकार मत डालो। हम लोग 12 अभी कितना बज रहा है 1:30 बज रहा है, अभी चलिए मेरे साथ गाड़ी में, कसम खुदा के रास्तों में देखिएगा एक दो जगह, अभी थोड़ा ठंडा पड़ गया है, गर्मी मौसम रहता है 1:30 बजे 2 बजे रात तक, 3 गो वहाँ कोनवा में बैठल है, 2 गो पिड़कुआ में बैठल है, 2 गो छुप के है ना पान के गुंटी के सामने बैठल है, 1:30 बजे रात सब गेम खेल रहा है, लड़का उम्र 12 साल 14 साल 17 साल 18 साल 20 साल सब बैठ के गेम खेल रहा है, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है, एक भी कुकुर जागल नहीं है, खाली नौजवान उन लड़कों सब जागल है, जहां जहां कुकुर सब बेचारा सब सुतता था वहीं बैठ के ये लड़का लोग गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया, ये नया कुकुर कहां से आया, तुम उठन रहे हमरे डरवाम काहे बैठते हो, तुम घर में घुसो हमको यहां बैठने दो, तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा, काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, अपने मोहल्ले के मदरसे में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को बेटा खोलता, समान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ, मेरी माँ बहने आप ना जाएं यहाँ वहाँ, औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, औरतों को मज़ार जाने दीजिए, मज़ार कहाँ मज़ार है, कहाँ बाबा है, कहाँ फूंक झार है, कहाँ दुआ ताबीज है, हम लोगों को बदनाम करने वाली कुछ औरतें हैं, मज़ार जाने के लिए परेशान रहती है, औरतों को मज़ार जाना शरीयत ने मना किया है, कुछ लोग इतराज करता है, बोली बरेली मसलक वाला लोग कब्र पूछता है, अच्छा हम लोग पागल है, कोई बरेली मसलक वाले मसलके वाला आजत वाले कब्र नहीं पूछता है, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, इसको भी लिख लीजिए, कुछ अलग अकीदे के लोग इतराज करता है कि ये लोग कब्र पूजुआ है, उनको कौन कहता है, उसके मौलवी कह देता है कि ये लोग बिदती है कब्र पूजुआ है, तो उन लोग को जहन में बस गया कि ये लोग कब्र पूजुआ है, जबकि हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, कब्रों को पूजना हराम है, और कब्रों को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, सुन लीजिए ना, हम लोग कब्र में सजदा करते हैं, ये भी करता है कि ये लोग बरेली लोग कब्र में सजदा करता है, अच्छा कोई मौलाना कोई पढ़ा लिखा आदमी किसी को कभी मुसलमान को देखें कब्र में सजदा करते हुए, सजदा नहीं किया जाता है, कब्रों की जियारत की जाती है, जब यताल मताल पागल पियंकर जाके कहीं घुड़ मुड़िया मारेगा उसका ठीका हम ही लिए, उसका ठीका हम ही लिए, खाम खा हम लोग पर इतराज करते हो कि ये लोग कब्र पूछता है, वो कहीं मताल घुड़ मुड़िया मार सकता है, मजार क्या वो ये हरवम घुड़ मुड़िया उसका ठीका हम थोड़ा लिए,
इसलिए खुदा के वास्ते कानून कानून है। इसीलिए तो जब जब जहां जहां मजार है वहां मस्जिद है। रानीगंज जाओगे मजार से पहले मस्जिद है। आने वालों ये मस्जिद देख लो, मजार आगे है मस्जिद पहले है। पतन चपड़ी जाओ मस्जिद पहले मजार है बाद में। अजमेर जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। कलियर जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। कचोसा जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। बरेली जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। देवा जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। पीलीभीत जाओ पहले मस्जिद बाद में मजार। ताकि आने वालों ये मस्जिद पहले देखो। यहाँ जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, पांचों वक्त नमाज पढ़ लो, फर्ज को अदा कर लो, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लो। जब अल्लाह की बारगाह से वक्त बचे तब अल्लाह वालों की जियारत कर लो। इसलिए एतराज मत करना गलत। हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं जो आपके मुआला मौलवी किसी को सिखा देता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को दीन पढ़ा, अपने बाल बच्चों को दीन पढ़ा। मदरसा उम्मे उम्मे हबीबा लिल बनात नजरत, इसकी बुनियाद संगे बुनियाद रखी जाएगी। और ये मदरसा इंशाअल्लाह हम लोगों की भी नज़र रहेगी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को पढ़ाओ। बेटी पैदा हो गम मत करना। मेरी चार चार बेटी है, मैं खुश हूँ। मैं पांच पांच बेटे के बाप को रोते देखा। बेटे को सही रास्ते पे नहीं रखोगे रोगे। हम लोग नहीं देखते हैं पांच पांच को बेटा है लेकिन बाप बेचारा ठंडा गर्म पानी लेता रास्ता है। जाहिल बेटा रखोगे। इसलिए खुदा के वास्ते इन बेटों को पढ़ाओ, वक्त बचा है, ताकि तेरा बेटा शराबी ना बन जाए। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा किसी कुआं में गिर जाए और उस कुआं का किसी समंदर में गिर जाए और समंदर सूख जाए, वहाँ घास सूख जाए, हजरत अली फरमाते अपने घोड़े को उस घास में चरने नहीं देंगे। मेरी माँ बहन खुदा के वास्ते तू भी अपने शोहर की इज्जत कर, शोहर से मोहब्बत कर। तू जेवर पहनती है गुनाह नहीं, जेवर पहन, सिंगार करती है कर, सुरमा काजल लगाती लगा, जो क्रीम पा हलाल पाक है लगाती वो लगा, गुनाह नहीं है। जब कोई औरत सिंगार करती है ना, अगर कोई सिंगार करे, आंखों में काजल लगा ले, चेहरे पे कुछ लगा ले, बाल को सवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, यानी जो औरत अपने शोहर को दिखाने के लिए सिंगार करती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम आयामाल में दो रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। यानी काजल पाउडर लगाना गुनाह नहीं है लेकिन ये सिंगार शोहर को दिखाने के लिए करे तब। और वही क्रीम लगा के फेरन लवली विकोटर मरिक मेला केयर फेस फेयर मुंह थोथना पोत के हटिया बाजार में घूमे, चौक में बैठे, गली में बैठ के दूसरों से नजरें लड़ाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल औरतें हटिया जाने लगी, एगो झोला 20 गो टका। अरे बाप, अरबल कते लेब हो, पकौड़ी खाओ हटाम बैठी जन बेटिया लाग तो डाकिन रहे। पकौड़ी खाले खाले आओ गिधर है मांगो बल देखमी दुगो देलियो देखमी टैक पटक। वाला शर्म लगती है, मर्द खा रहा अलग बात है, अब औरतें भी हटिया बाजार में ले लेके पकौड़ी खाने लगी। सुसुआ हो मिर्चा मांगो बोल हो ललका हरियर मिर्चा। मर जाना चाहिए, अगर जरूरी है तो हटिया बाजार जा, वरना मत जा। किसी को दे दो बेटा 5 रुपया ले ला के ला दे मुझको, तो पर्दे वाली चीज है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हो गया, एक आखिरी पॉइंट, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हो गया, फजर के टाइम में अपने शोहर हजरत अली को बुलाए, कहे मेरे सरताज मेरे सामने आओ। हजरत अली सामने चले गए, कहा क्या बात है? कहा देख, हजरत अली के हाथ को बीवी फातिमा ने अपने हाथ पे ला के रख ली, अली के हाथ को पकड़ा और अपने हाथ पर रख दी। कहा मेरे सरताज एक वादा कीजिए, मेरा आखिरी वक्त हो गया है,
मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, इंतकाल कर जाऊंगी, रूह निकल जाएगी, एक वादा करो। तेली फरमाते, बोल फातिमा तू कहना क्या चाहती है? कहा मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, मेरी रूह निकल जाएगी ना, मुझको गुसुल देके कफन पहना लोगे, उस वक्त मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। हजरत मौला अली फरमाते, फातिमा जनाजा घर में रखा नहीं जाता। भी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज मेरे कहने का वो मकसद नहीं है, बल्कि मेरे जनाजा अगर दिन में मेरी मौत हो जाए तो दिन के उजाले में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ना ले जाना। जब सूरज डूब जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाए, तब रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो, मेरी माँ बहने बीबी फातिमा फरमाती, मेरे जनाजे को दिन में ना निकालना घर से, कब्रिस्तान के तरफ मत ले जाना, रात के अंधेरे में ले जाना, ताकि मैं गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बोलो माँ बहने, जिस नबी की बेटी अपने जनाजे को दिन के उजाले में निकालना पसंद ना करे, आज वही कनीजे फातिमा दिन के उजाले में जहां तहां जाके अपनी जिंदगी को आराम से ऐश करने पे लगा दे। बोलो तेरे नस्लों में बस पे कैसा बच्चा पैदा होगा? कल फातिमा के नस्ल में हुसैन जैसा बेटा पैदा हुआ, और करबला का मैदान 56 साल में पहुंच, 3 दिन का भूखा प्यासा रहा, लेकिन जब मैदान पर उतरा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा इस्लाम बचाया, तलवार उठाया सजदा बचाया, गर्दन को कटाया तो गिरता हुआ झंडा बचाया। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह 1:45 बज गया जबकि जलसा 1 बजे तक होना था। फिर कभी जिंदगी मेरी तकरीर सुनना हो YouTube में चला जाना, एक जगह बोल दिए YouTube में चला जाना, दो आदमी खड़ा हो गया, बोल हाँ मौलाना साहेब YouTube का नहीं है, जावेद भाड़ा कते लाख तो बस तस चले न, तो YouTube मोबाइल में है, झारखंडी बाबा का नाम का चैनल है, न्यू सुनी नेटवर्क का है, साफिया चैनल, बहुत सारा चैनल है, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखिएगा, झारखंडी बाबा। अभी एक वीडियो कल परसों एक वही पिकनिक वाला वायरल हुआ है, अभी पाकिस्तान से कल 12:30 बजे रात फोन आया जब मैं प्रोग्राम में था, मैंने कहाँ से बोल रहा है, मैंने 12 नंबर कैसे आया, बोला मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, आप हिंदुस्तान के? मैंने कहा हाँ, आप झारखंडी बाबा हैं? मैंने कहाँ से आप? मैंने पाकिस्तान से। आपकी वीडियो यहाँ बहुत ज़्यादा चल रही है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आज सोशल मीडिया पर जितनी तेजी के साथ लोग झारखंडी बाबा को देख रहा है, ये मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। खुदा के वास्ते अपने माँ की दुआ लेना, अपनी माँ से मोहब्बत करना, अपने बाप से मोहब्बत करना, अपने समाज से मोहब्बत करना। ये आने वाला ये मदरसा जो उम्मे हबीबा के नाम पे जो कायम किया गया है, मुझको यकीन है कि आप लोग साथ देंगे और पूरे इलाके में इसका चर्चा किया जाएगा। हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे ये चर्चा किया जाएगा, और 2-4 साल के अंदर इस मदरसे को यूनिवर्सिटी के शक्ल में देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग मदद करेंगे, मेहनत भी करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।